नमस्कार, एपी किसान यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से न्यूट्रंटा कंपनी का जो पद्मनी धान है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि आप लोग सबसे पहले हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका ये पैकेट दिखा रहा हूँ। इस पैकेट के ऊपर की तरफ इसका ये लोगो बना हुआ है, न्यूट्रंटा पद्मनी हाई क्वालिटी पैडी सीड लिखा हुआ है, नेटवेट 3 kg MAC टच। अब मैं आप लोगों को इसका पीछे का भाग दिखाऊंगा, जो कि आप लोग इसका पीछे का भाग देख सकते हैं। पीछे की तरफ इसका लोगो बना हुआ है, न्यूट्रंटा पद्मनी हाई क्वालिटी पैडी सीड त्रिफुल लेबल वैरायटी पद्मनी नेट वेट 3 kg और MRP 490 रुपये लिखी हुई है। अब मैं आप लोगों को इसका जो पैकेट है उसे खोलकर दिखाऊंगा। उसके लिए हमने एक कैंची ली है और कैंची की सहायता से सबसे पहले हम इस पैकेट के ऊपर के कोने को काट रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम आप लोगों को इसका बीज निकाल कर दिखाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कैंची की सहायता से जो पैकेट के ऊपर का कोना था हमने काट लिया है, कैंची को नीचे रख दिया है और इसके बाद हमने जिस कोने को काटा था उसे थोड़ा सा हम खोल लेते हैं, ताकि जो हमारा धान का बीज है इसके अंदर वो आसानी से बाहर निकल सके। और आप लोग देख सकते हैं पैकेट के अंदर से हम बीज को निकाल रहे हैं और इसके बाद आप लोगों को ये बीज दिखाएंगे। और पैकेट को हमने रख दिया है और इसके पश्चात हम हाथ में थोड़ा सा बीज ले लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है न्यूट्रंटा कंपनी का पद्मनी धान का बीज, जो कि एक पतला धान का बीज है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद हम एक बार फिर से आप लोगों को इसका ये बीज दिखा रहे हैं, पद्मनी धान का बीज। और इसको हम नीचे रख देते हैं और इसके बाद हम आपको इसका बीज मार्केट से कितने रुपए किलो मिलता है इसके बारे में बताएंगे। इस धान का बीज आप लोगों को मार्केट से 100 रुपए प्रति किलो ग्राम की दर से मिल जाता है, न्यूट्रंटा पद्मनी धान बीज। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों को देंगे। इसके बाद हम आप लोगों को इसकी नर्सरी के बारे में बता रहे हैं, जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। ये है पद्मनी धान के बीज की नर्सरी, जो कि अभी 10 दिन की है, वो देख सकते हैं। अब हम इसके बारे में कुछ और जानकारी आप लोगों को देंगे। इसकी रोपाई आप लोग किस राज्य में कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। इसकी रोपाई आप लोग खरीफ रबी समर तीनों सीजन में कर सकते हैं। खरीफ सीजन में इसकी रोपाई कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश झारखंड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उड़ीसा जम्मू कश्मीर छत्तीसगढ़ असम बिहार पश्चिम बंगाल केरल में इसकी रोपाई आप लोग कर सकते हैं। और रबी और समर सीजन में इसकी रोपाई आप लोग कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु महाराष्ट्र
मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल में इसकी रोपाई आप लोग कर सकते हैं और इससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब हम इसके बीज की बात करें तो 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए आप लोगों को कम से कम 10 से 12 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 1 एकड़ खेत की रोपाई के लिए पर्याप्त है। अब हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से इसके पौधे के बारे में और कुछ जानकारी देंगे। इसके पौधे की ऊंचाई 100 से 110 सेंटीमीटर होती है, पद्मनी धान के पौधे की ऊंचाई। अब हम ये धान कितने दिन में पककर तैयार होता है इसके बारे में बताएंगे। ये धान आप लोगों का 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाता है, पद्मनी धान। अब हम इसकी जो पैदावार है उसके बारे में बताएंगे। 1 एकड़ खेत में इस धान की पैदावार 22 से 27 कुंटल प्रति एकड़ होती है, पद्मनी धान की पैदावार, जो कि एक बहुत ही अच्छा धान माना जाता है, पद्मनी धान। आप लोग इसकी रोपाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसान भाई इसकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से करते हैं तो इसकी पैदावार 30 क्विंटल तक भी हो जाती है, धान की पैदावार। अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।